नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी और अब आज की ताजा खबर। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। यूपी के गाजीपुर में कुछ लड़कों ने एक हेड कांस्टेबल की पिटाई कर दी। गाजीपुर के सादात थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल एक मामले की जांच के लिए मौधिया गांव गए थे। इसी बीच पुलिस वालों ने बिना हेलमेट के बाइक पर जा रहे लड़कों को रोका। इसी बात को लेकर दोनों लड़के भड़क गए, पुलिस वालों पर हमला किया। नीली कमीज पहने लड़का तो कांस्टेबल से हाथापाई करने लगा, जबकि दूसरे लड़के ने पुलिस वाले के हेलमेट छीन कर फेंक दिया। दोनों पुलिस वालों ने भागकर किसी तरह से अपनी जान बचाई। अब पुलिस हमला करने वाले दोनों लड़कों की तलाश कर रही है। तो गाजीपुर में पुलिस वाले की पिटाई की गई। दरअसल दो लड़कों ने कांस्टेबल को पीटा, वो लोग जा रहे थे और हेलमेट नहीं था। इसी बीच जब पुलिस वालों ने रोका तो हाथापाई हुई और आपको बता दें कि एक लड़के ने पुलिस वाले के हेलमेट छीन कर उसे फेंक दिया। दोनों पुलिस वालों ने भागकर किसी तरीके से अपनी जान बचाई। अब पुलिस हमला करने वाले दोनों लड़कों की तलाश में जुटी है। गांव में जांच पूरी करने के बाद जांच का जो आरोपी था उसको लेकर सब इंस्पेक्टर जो स्वयं हेलमेट लगाए हुए थे, हेड कांस्टेबल जो पीछे बैठे थे जाते समय हेलमेट नहीं लगाए हुए थे, वह आरोपी की मोटरसाइकिल पर वापस आ रहे थे। उसी समय जिस स्थान पर उन्होंने चेकिंग की थी वहाँ पर वो दो लड़के प्लस उनके साथ के कुछ लड़के मौजूद थे और उन्होंने इस हेड कांस्टेबल के साथ इस बदतमीजी करना शुरू कर दिया। इस संबंध में वीडियो के आधार पर लड़कों को चिन्हित करने का प्रयास किया गया है, जिसमें एक लड़का पहाड़पुर का चिन्हित हो गया है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम भेज दी गई है और हेड कांस्टेबल से तहरीर लेके मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। पंजाब के अमृतसर में एक लड़का एक पुलिस वाले से भिड़ गया। आरोप है कि पुलिस वाले ने लड़के के पिता को थप्पड़ मार दिया, जिससे उसका गुस्सा भड़क गया और वो बीच सड़क पर पुलिस वाले से भिड़ गया। देखते ही देखते दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। इस दौरान लड़के ने धक्का मारकर पुलिस वाले को नीचे गिरा दिया। नीचे गिरते ही पुलिस वाले की पगड़ी खुल गई, लेकिन इस दौरान पुलिस वाला भी लड़के पर घूंसे बरसाता रहा। दोनों के बीच ये झड़प एक पेट्रोल पंप पर हुई, जिस वजह से लोगों की भारी भीड़ भी वहां पर जुट गई। किसी तरह लोगों ने झगड़े को शांत करवाया। इस झगड़े से पहले लड़के के पिता के साथ पुलिस वाले की काफी देर तक बहस हुई, जिस पर उसने लड़के के पिता को थप्पड़ मार दिया। पुलिस ने मारपीट कर रहे लड़के के खिलाफ केस दर्ज कर जांच तेज कर दी। लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से गंगा उफान पर है, नदी का जलस्तर बढ़ता ही जा रहा है। पटना में तो गंगा खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रही है, जिसकी वजह से गंगा किनारे बने सारे घाट पानी में डूब गए। नदी का पानी घाट पर बने मंदिरों की सीढ़ियों तक पहुंच गया। पटना में गंगा खतरे के निशान से 91 सेंटीमीटर ऊपर है और यह तस्वीर है पटना के कृष्णा घाट का। लगातार बढ़ते जलस्तर की वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही है। गंगा का जलस्तर बढ़ने से आसपास के इलाकों में बाढ़ आ गई। सबसे ज्यादा परेशानी गंगा के किनारे रहने वाले लोगों को उठानी पड़ रही है, जिन्हें जान जोखिम में डालकर घर जाना पड़ रहा है। खतरनाक तो है, लेकिन क्या करें, पितर पक चल रहा है। हम लोगों को जो है तो पितर को 15 दिन पानी देना पड़ता है और इसी कारण 15 दिन आना ही पड़ेगा। वहीं गंगा के रौद्र रूप को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से नदी किनारे नहीं जाने की अपील की। साथ ही प्रशासन ने एक टीम बनाई है जो गंगा के बढ़ते जलस्तर पर नजर रख रही है। यही नहीं, गंगा का जलस्तर बढ़ने से इलाके के कई गांव में बाढ़ का पानी घुस गया और कई गांव टापू में तब्दील हो गए। कई गांव ऐसे हैं जो डूबने की कगार पर पहुंच गए हैं, जिसकी वजह से गांव के लोगों में दहशत है। पटना में गंगा उफान पर है और लगातार बढ़ते जलस्तर से लोग दहशत में हैं। सामने नक्ता दियारा इलाका है जो चारों तरफ पानी से घिर गया है और लोग अब धीरे धीरे गांव को खाली करने लगे हैं। लोगों का कहना है कि गांव में अब भी कई लोग फंसे हैं, जिनके पास खाने पीने का सामान तक नहीं बचा है। पानी से चारों तरफ घर घिर चुका है। जो लोग भी है वो अपने नाव से आने का इंतजार करते हैं। दीघा के घाट की हालत सबसे ज्यादा खराब है, क्योंकि नदी की तेज धार की वजह से घाट का तेजी से कटाव हो रहा है, जिसकी वजह से घाट पर रहने वाले लोगों में दहशत है। लोग अपना घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाने को मजबूर हैं। कुछ ऐसे ही हालात छपरा में भी है। यहाँ भी उपनाई गंगा में कई गांव समा गए और कई गांवों पर डूबने का खतरा बना हुआ है। गांवों को शहरों से जोड़ने वाले रास्तों पर नाव चलती नजर आई। मैं दिखाना चाहूंगा कि एक गांव है जो कि दिलिया रहीमपुर का गांव कहा जा सकता है और यहां पर देख सकते हैं कि गांव किस तरह से डूब चुका है। ये छोटा सा गांव है, लेकिन यहां के तमाम लोग जो है पलायन कर चुके हैं। लोगों का कहना है कि गांव में उनकी गाय भैंसे फंसी हैं, जिन्हें लाने के लिए उनके पास कोई साधन नहीं है। नाव की व्यवस्था नहीं है, कुछ हमारे पशु भी उधर फंसे हुए हैं,
उसको लाने की कोई व्यवस्था नहीं है। यही नहीं, इलाके के लोगों ने शहर में भी गंगा का पानी घुसने की आशंका जताई। पानी बहुत तेजी में है, कोई ठीक नहीं है, रात भर में टाउन प्रवेश कर सकता है। यूक्रेन की राजधानी कीव में पुलिस ने एक पुल को उड़ाने की धमकी देने वाले एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया। इस आदमी ने कई घंटों तक पुलिस को उलझाए रखा, जिसके बाद उसने अपने हथियार फेंक दिए और पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। इससे पहले पुल को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद बड़ी तादाद में पुलिस के जवान वहां पहुंचे। पुलिस ने पुल के एक हिस्से को बंद कर दिया। फौरन जवाबी हमले के लिए स्नाइपर भी तैनात कर दिए गए। थोड़ी देर बाद हालात का जायजा लेने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। पुल उड़ाने की धमकी दे रहे आरोपी को ड्रोन से लगातार देखा जा रहा था। उसके अकेले होने की जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम धीरे धीरे कार की ओर बढ़ी। एक टीम बख्तरबंद गाड़ी के पीछे छिपती हुई आरोपी के करीब पहुंच गई। इसके बाद खुद को घिरा हुआ देख सिरफिरे ने सरेंडर किया और वो नीचे लेट गया। पुलिस के जवानों ने फौरन उसे हथकड़ी पहना दी। कई घंटों तक चले इस ड्रामे के बाद पुलिस ने फिर से पुल को गाड़ियों के लिए खोल दिया। पुल से गिरफ्तार किए गए आदमी की पहचान एक पूर्व सैनिक के रूप में की गई। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने फरवरी में पाकिस्तान के बालाकोट में किए गए एयरफोर्स के एयर स्ट्राइक को लेकर फिर सवाल खड़े किए हैं। जयपुर में शशि थरूर ने कहा कि बालाकोट में आतंकवादियों को मार गिराने के सबूत केंद्र सरकार के पास नहीं है। शशि थरूर ने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का हवाला देते हुए कहा कि भारतीय विमानों के एयर स्ट्राइक से कोई नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि शशि थरूर ने यह जरूर माना कि एयरफोर्स ने पाकिस्तान की एयर स्पेस में घुसने के बाद बम गिराकर साहसिक काम किया है और पाकिस्तान को सख्त संदेश भी दिया है। बालाकोट से कुछ मतलब कोई आतंकवादी को नहीं मारा कि जो अंतर्राष्ट्रीय माध्यम देखे हैं, जो तस्वीरें वो लोग पब्लिश किए हैं, कहते हैं कि कुछ पेड़ों को मारा। सबूत तो हमारे पास नहीं है, उनके पास भी नहीं है, सरकार के पास भी नहीं है। अगर सरकार कहते हैं कि बहुत इफेक्टिव रेट था और आतंकवादियों सब उसमें से हार गए या बहुत मतलब आतंकवादियों के देहांत हो गए, तो उनकी तरफ से भी कुछ सबूत दिखा सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र में चुनावी बिगुल फूंकते हुए राहुल गांधी और शरद पवार पर जोरदार हमला किया। नासिक में हुई इस रैली में प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का विरोध करने पर कांग्रेस और एनसीपी को आड़े हाथ लिया और राहुल गांधी पर उस बयान के लिए जोरदार निशाना साधा जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र में किया। ऐसी बातें करना जो आतंक परस्तों के लिए अपप्रचार का हथियार बन जाए, विदेशों में उनके बयानों के आधार पर भारत पर हमला हो, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रधानमंत्री यही नहीं रुके और उन्होंने हाल ही में शरद पवार के पाकिस्तान पर दिए गए बयान के लिए उन्हें खरी खरी सुनाई। शरद पवार जी को पड़ोसी देश अच्छा लगता है, ये उनकी मर्जी। साथ ही प्रधानमंत्री ने कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन की सरकार पर सेना की जरूरतों की अनदेखी करने का भी आरोप लगाया। कांग्रेस की सरकार ने सेना की इस जरूरत पर ध्यान नहीं दिया। भाजपा एनडीए की सरकार आई तो हमने बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदने की प्रक्रिया शुरू की, जिसके बाद कांग्रेस ने पलटवार किया और प्रधानमंत्री के महाराष्ट्र चुनाव में कश्मीर की बात करने पर तंज कसा और उन्हें महाराष्ट्र के मुद्दे पर बात करने की सलाह दी। जबकि एनसीपी ने शरद पवार पर किए गए हमले का जवाब प्रधानमंत्री के 2014 के पाकिस्तान दौरे का जिक्र करके दिया। पाकिस्तान के शासक और प्रशासक उन्हें बहुत पसंद है, इसीलिए 2014 में नवाज शरीफ के आए बिना शपथ नहीं लेता। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच चल रही खींचतान को देखते हुए कांग्रेस हाईकमान ने बड़ा फैसला लिया। पार्टी ने तय किया है कि गहलोत सरकार में जितने भी मंत्री हैं, अब उन्हें सचिन पायलट को भी रिपोर्ट करना होगा। और इस फैसले को राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष सचिन पायलट का प्रमोशन बताया जा रहा है। जयपुर में सीएम और डिप्टी सीएम की मौजूदगी में हुई पार्टी की बैठक के बाद ये फैसला सामने आया। साथ ही ये भी बताया गया कि अब सचिन पायलट गहलोत सरकार में मंत्रियों की कांग्रेस दफ्तर में बैठने की भी ड्यूटी लगाएंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में हम एक रोस्टर तैयार करेंगे ताकि अलग अलग विभाग के मंत्री यहाँ पर बैठें, जन सुनवाई करें। राजस्थान में विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। नगर निकाय के चुनाव भी राज्य में नजदीक हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि पार्टी हाईकमान ने सचिन पायलट को कुछ और जिम्मेदारी देकर सीएम और उनके बीच संतुलन बिठाने की कोशिश की है। हालांकि पार्टी दोनों नेताओं के बीच किसी भी तरह का टकराव होने से इनकार कर रही है। मैं आपको कहूंगा कि बहुत ही समन्वय के साथ में, बहुत समझदारी के साथ में, राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहां पर पीसीसी और सरकार के बीच में पूर्ण समन्वय है।
जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना ने जिंदा बरामद किए गए 9 मोर्टर को धमाका कर नष्ट किया। ये मोर्टर पाकिस्तान की तरफ से दागे गए थे, जिनको सेना ने एक एक कर धमाके के साथ नष्ट कर दिया। रिहायशी इलाके में गिरे इन जिंदा मोर्टर की जानकारी मिलने के बाद सेना के जवान वहां पहुंचे और मोर्टर को नष्ट करने का काम शुरू कर दिया गया। इसके लिए गड्ढे खोदकर उनमें इन मोर्टर को दबाया गया और बाद में विस्फोट के जरिए उनको नष्ट कर दिया गया। पाकिस्तान की तरफ से दागे गए ये मोर्टर गिरने के बाद भी नहीं फटे थे, जिनके कभी भी फटने का खतरा था। IRCTC ने करवा चौथ के मौके पर शादीशुदा जोड़ों के लिए एक स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। जानकारी के मुताबिक राजस्थान में करवा चौथ मनाने के लिए IRCTC मेजेस्टिक राजस्थान डिलक्स नाम से एक ट्रेन चलाएगी। इस ट्रेन में सिर्फ शादीशुदा जोड़ों को ही सफर करने की इजाजत होगी। ये ट्रेन 14 अक्टूबर की सुबह 7 बजे दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से रवाना होगी और शादीशुदा जोड़ों को जयपुर, जोधपुर और जैसलमेर की सैर करवाते हुए 18 अक्टूबर को दिल्ली लौट आएगी। 5 दिनों के इस टूर में शादीशुदा जोड़ों को 3 स्टार होटल में ठहराने, खाने पीने और लोकल सफर के लिए डीलक्स बस की सुविधा दी जाएगी। इसके लिए हर जोड़े को ट्रेन के AC1 कोच में सफर के लिए करीब 1,03,000 रुपए और AC2 कोच के लिए 90,000 रुपए चुकाने होंगे। बीते हफ्ते सुन्नी बहुल सऊदी अरब के तेल प्लांट पर हुए हमलों के आरोपों को नकारने के बाद शिया बहुल ईरान ने अब सऊदी अरब का यमन में लड़ाई खत्म करने की चेतावनी दी। इन हमलों ने सऊदी अरब में होने वाले कच्चे तेल के उत्पादन को आधा कर दिया, जिसके बाद सऊदी अरब की सेना ने राजधानी रियाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमले के लिए इस्तेमाल होने वाले हथियारों को दिखाया। हालांकि तेल प्लांट पर हुए हमले की जिम्मेदारी यमन के विद्रोहियों ने ली थी, लेकिन सुन्नी बहुल सऊदी अरब ने विदेशी मीडिया और अपने साथी देशों को शिया बहुल ईरान में बने हथियारों के सबूत दिए। सऊदी अरब ने आरोप लगाया कि तेल प्लांट पर हुए हमलों के आदेश ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई ने दिए थे। हालांकि ईरान ने इस मामले से फिर पल्ला झाड़ लिया। یه عکس العملی از خودشون نشون دادن، یک نقطه ای رو زدن، اینا بیمارستان نزدن که شما ناراحتید. سعودی عرب کے ثبوتوں کو جھوٹا بتاتے ہوئے یمن کے ودروہیوں نے بھی پریس کانفرنس کی۔ ودروہیوں نے سعودی عرب کے بعد اب اس کے ساتھی سنیوکت عرب امیرات